देखिएगा, ये विंडोज जब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए तो सबसे पहले जो है ये सारी चीज जो सबसे पहले आएगी वो ये आएगा कि विंडोज का सेटअप आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टाइम एंड करंट फॉर्मेट किस मुल्क की लैंग्वेज की हो, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड यानी कि यूनाइटेड स्टेट का कीबोर्ड होगा जिसमें एट द रेट शिफ्ट के साथ दो का बटन प्रेस करेंगे तब आएगा। इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो कहता है कि विंडोज को इंस्टॉल नाउ करें। सेकंड हमारा प्रोसेस है विंडोज इंस्टॉल नाउ। जिस तरह ही हम इंस्टॉल नाउ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो विंडोज इज सेटअप स्टार्टिंग करेगा, ठीक है। यहां पर वो इसकी प्रोडक्ट की मांगेगा। प्रोडक्ट की देने के लिए हम प्रोडक्ट की देने के लिए जो आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है अपने मोबाइल से या लैपटॉप पे एडिशनल, क्योंकि आप यहाँ पर तो विंडो कर रहे हैं, ठीक हो गया। जिस तरह ही आप गूगल पर जाएंगे, अब जिस तरह मैं गूगल पर जाता हूँ और गूगल पर जाकर मैं लिखता हूँ विंडोज 10 या विंडोज 8.1, 8.1 प्रोडक्ट की, ये है प्रोडक्ट की एक्टिवेशन के लिए, ठीक हो गया। आप प्रो की ढूंढ लें या कोई भी की ढूंढ लें, अब मैं यहां पर की इंटर करूंगा, ठीक हो गया। इसकी की है TT4HM HN7YT62K67RG RQ J, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा JFFXW, ये इसकी प्रोडक्ट की है जो मुझे नेट पर मिली है गूगल से। आप किसी तरह भी कर सकते हैं। ये करेंगे, वो कहता है प्रोडक्ट की इंटर डज नॉट मैच एनी ऑफ द विंडो इमेज अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन। इट्स मीन दैट कि ये जो की थी ये सही नहीं थी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि दोबारा फिर यहाँ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आएगा, कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होगा, कंप्यूटर का कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ फिर जब आप इसकी प्रोडक्ट की लिखेंगे तो आपने ये चीज देख के लिखनी है GCRJD8N W9H F2CDX CCM8D9D6T9। ये मैं प्रोडक्ट की इंटर करके देखता हूँ, बहुत सारी अवेलेबल्स हैं की, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो मैच हो जाएगी। अब ये देखें, ये की इसकी मैच हो गई है। मैच होने से मुराद ये है कि ये इसके साथ अटैच हो गई है। इसके बाद वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन, वो उसके ऊपर लाइसेंस टर्म्स लिखी होती है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये पब्लिकली दिया गया है, या मतलब इसको वॉल्यूम लाइसेंस है, इसमें कुछ फीचर्स वो गायब कर देंगे क्योंकि हमने ये पे नहीं की। आई एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन, इसको फिर नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन जो आ जाता है, ये आता है कि अपग्रेड करें। जो आपकी पहले ऑलरेडी विंडो है, अगर आपने उसको अपग्रेड करना है तो यहाँ पे अपग्रेड कर देंगे। अगर आपने न्यू इंस्टॉल करनी है, अपनी हार्ड ड्राइव को देख के करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैंने जाहिर सी बात है न्यू हार्ड ड्राइव लगाई है, यानी कि वो नई उसका रूट बनाया था। बनाने के बाद मैंने यहाँ पे न्यू हार्ड ड्राइव लगाई थी। हार्ड ड्राइव लगाने के बाद मैं यहाँ पर न्यू पर आ जाता हूँ, तो न्यू पर आने के बाद यहाँ पर हार्ड ड्राइव को अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। इंश्योर करवाऊंगा कि मेरी ये हार्ड ड्राइव को न्यू क्रिएट कर दे ड्राइव के हिसाब से। अब ये मेरी 39.7 GB जो है वो हार्ड ड्राइव सी ड्राइव शो कर दी है। उसके बाद ये 350 जो है ये सिस्टम ने रैम की अपनी मेमोरी रख ली है। इसको मैं फॉर्मेट करूंगा, ये फॉर्मेटिंग कर दी। जैसे ही फॉर्मेट किया तो ये मेरी हार्ड ड्राइव का ये सी वाली ड्राइव जो है ये मेरी फॉर्मेट हो गई है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जिसमें वो जो ISO फाइल है उसके अंदर से जितनी भी उसके अंदर फाइलें पड़ी हैं, उसके अंदर पड़ी है वो जिप होके कंपोज हुई है, जितनी भी उसकी फाइलें पड़ी हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। जिसमें हमारा डेस्कटॉप आ जाता है, हमारी सी ड्राइव आ जाती है, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, तो जितने भी उसके अंदर एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं, ये इंस्टॉल हो रही है। इसका अगला प्रोसेस जो है वो क्या होता है उसके लिए अब ये देखें।
अब ये देखें, ये सिस्टम ने सारी फाइलें जो हैं वो इंस्टॉल करके अब सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। इसी तरह ही आपका कंप्यूटर भी रिस्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, वो कह रहा है प्रेस एनी की बोर्ड फ्रॉम सीडी रूम, यानी कि आप दोबारा अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप दोबारा पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि ये प्रोसेस हो रहा है, ये स्टार्टिंग करता रहेगा। अब ये विंडोज अपनी फाइलें जो हैं वो अटैच करेगी, उसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेट कर देगी। जिस तरह वो अपडेटिंग कंप्लीट होगी, सिस्टम एक दफा अगेन फिर स्टार्ट करेगा। जब फिर स्टार्ट करेगा इट मीन के वो ऑलरेडी जो है सारी की सारी फाइलें जो है वो इंस्टॉल करने शुरू कर देगा। फिर ठीक हो गया। जब इंस्टॉलेशन इसकी प्रोसेस जो है वो जिस तरह ही कंप्लीट होगा, एक दफा जब ये अगेन स्टार्ट करेगा तो उसके बाद ये फाइनलाइज प्रोसेस की तरफ ले आएगा आपको। इसके लिए देखते हैं थोड़ा सा वेट। इसके लिए आपके पास कम से कम जो है वो 2 GB या 4 GB की रैम होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हार्ड ड्राइव जो है कम से कम 40 GB की होनी जरूरी है, कम से कम। और सिस्टम की ये है कि कोड टू डू आई सीरीज i3 i5 i7 का कोई भी जो है वो वर्जन होना चाहिए। सिस्टम में कोई स्पेसिफिकेशन मजीद रिक्वायर्ड नहीं है कि डेल का हो या HP का हो या किसी भी वट एवर कंपनी का। ये देखें सिस्टम एक दफा फिर ऑफ होकर दोबारा अगेन स्टार्ट हुआ। बटन कोई भी प्रेस नहीं करना, वरना आप ऑलरेडी दोबारा फिर उसी जगह पर चले जाएंगे। दो दफा स्टार्ट हो गया। अब उसने सिस्टम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका यूजर अकाउंट यानी कि पीसी नेम वो पूछेगा कि पीसी नेम क्या है। जिस तरह ही पीसी नेम वगैरह शो हो, आपने वहां पे अपना नाम या पीसी का नेम कोई भी वो रख लेना है। ये देखें अब इसके फीचर्स जो हैं वो उस हिसाब से ये पीसी नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ पे रखूंगा पीसी नेम Windows 1। ठीक है, या Windows 1 वो कहता है कि ये चीज जो है सिर्फ विंडो का नाम रख लें या कोई भी चीज ऐसी है जो रखी जा सकती है। मैं कहता हूँ कि ड्यूटी लाइव, ये मैंने पीसी का नाम रख दिया। रखने के बाद इसको मैं नीचे आके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको कस्टमाइज सेटिंग में भी जा सकता हूँ, यूज एक्सप्रेस सेटिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो चेक इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं। चेक इंटरनेट कनेक्शन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हम जो है वो इंटरनेट से इसको कनेक्ट नहीं करवाना चाह रहे। ये उस सिस्टम पे आएगा जिस सिस्टम पे हमने इंटरनेट नहीं लगाया होगा, क्योंकि इस टाइम मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज आ रहा है। क्रिएट लोकल अकाउंट, लोकल अकाउंट में मैं इसको नाम दूंगा ABC, कोई भी नेम। पासवर्ड यहाँ देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे दें। इसको मैं फिनिश करूंगा। लोकल अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह इंटरनेट पे कनेक्ट होऊंगा तो डेफिनेटली इंटरनेट का होना जरूरी होगा। ठीक है, वहां पे वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा, यानी कि @hotmail.com का अकाउंट मांगेगा। जिस तरह ही hotmail.com का अकाउंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, वरना इसको दोबारा बनाना पड़ेगा और सारे मामला जो हैं वो इसके दोबारा करने पड़ेंगे। ये देखें अब विंडो स्टार्ट हो गई है। वो आपको मतलब स्टार्टिंग में वेलकम करता है कि हेलो वी आर सेटिंग अप, जो भी आपकी मतलब इसके अंदर सेटिंग्स हैं जो बाई डिफॉल्ट हमने एक्सप्रेस सेटिंग की हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग योर एप्स, क्या आप एप्स जो है वो ऐप स्टोर के जरिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, न्यू एप्स जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। और इसके साथ ये डेस्कटॉप को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। डेस्कटॉप जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बस ये लास्ट इसके मोमेंट्स हैं। इस पे कम से कम भी 20 से 25 मिनट्स जो हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करने के लिए यही है कि हम मार्केट में जाकर जो है विंडोज़ करवाते हैं। और उसमें डिफरेंट ये है कि जब भी दिया जाए कि शाम को मिल जाएगा या 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, पहले कुछ सिस्टम लगा हुआ है, या आप खुद भी घर में बैठ कर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आई होप सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो इतना कोई टिपिकल या इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी और नॉर्मल सा है। ठीक है, इस चीज़ में जैसे ही देखा जाए कि अब ये टेकिंग केयर ऑफ यू थिंग्स जो इसके अंदर सिक्योरिटी है विंडोज़ की,
कि आपका सिस्टम हैक नहीं हो सकता, इसमें क्या क्या मामलात हैं, किस किस तरह इसको सिक्योर रखा जाएगा, वो भी आपको चीजें इसके साथ आगे बताई जाएंगी इस टॉपिक्स में। अच्छा, विंडोज जो है वो जरा अभी एक मिनट टाइम लेगी, ठीक है, ताकि वो यूजर लोकल अकाउंट, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें जो है ये मैनेज करने में, जिस तरह ये मैनेज हो जाती हैं तो सिस्टम जो है वो आपके पास डेस्कटॉप जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही चीज जो है वो मतलब आप इसको रिपीट करके कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह ही अपनी विंडोज को टेस्ट करना चाहते हैं, एक ये सॉफ्टवेयर है VM वर्चुअल बॉक्स, ये गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है वर्चुअल बॉक्स जो है, और वर्चुअल बॉक्स के जरिए आप मतलब अपनी एक ISO डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अपनी विंडो को टेस्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी इस टाइम वो कह रहा है कि डू नॉट टर्न ऑफ योर PC, यानी कि अपने PC को बंद नहीं करें, ठीक हो गया, और जब इसको बंद नहीं करेंगे डेफिनेटली वो अपनी सारी चीजें जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल करके आपको सामने डिस्प्ले करवा देगा कि मैं ये चीजें जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ असाइनमेंट्स के हवाले से कि असाइनमेंट्स में आपको जो चीजें क्वेश्चनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि असाइनमेंट्स के अंदर ये भी क्वेश्चन हैं वो शेयर किए थे आपसे, आपने उन क्वेश्चंस को देखना है कि वो क्वेश्चन बेसिकली है क्या चीज और किस तरह उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जो उसको सॉल्व करने के लिए MS वर्ड के अंदर ही वो असाइनमेंट्स बनेगी आपको, बेहतरीन वे यही है कि उसी असाइनमेंट को आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उसके अंदर वो चीजें लिखें जिसके जरिए आपने वो असाइनमेंट बनानी है, और बनाने के बाद उसी चीज को आगे लेके चलें, ठीक हो गया। अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, इसको जरा देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, यहां पर मैंने वही चीज की है कि अगर आपका जो PC है बोटेबल USB लगी हो आपके साथ, ये चीज ऑप्शन आएगा, ये चीज BIOS का ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट करना है कि BIOS USB फर्स्ट फ्रॉम USB हो। जिस तरह USB से करेंगे अगला स्टेप वही चीज के विंडोज इंस्टॉलेशन का आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए वो लैंग्वेज पहले मांगेगा, उसके बाद टाइम फॉर्मेट मांगेगा, उसके बाद कीबोर्ड की लैंग्वेज मांगेगा, उसके बाद वो कहेगा कि क्लिक इंस्टॉल, नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको आगे से प्रोडक्ट की मांगेगा। जिस तरह ही आप प्रोडक्ट की देंगे, प्रोडक्ट की से मुराद ये है कि आपने एक्टिवेशन की देनी है, वो आपने साथ एक मोबाइल पकड़ लें या इंटरनेट से वो प्रोडक्ट की पहले ऑलरेडी आप सेव करके रख लें जो आपकी प्रोडक्ट की एक्टिवेट हो। जिस तरह ही वो एक्टिवेट की आपको मिलेगी उसके बाद वो इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो वो एग्री करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को करवाएगा। अगर आप उसको आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म्स को एग्री करते हैं देन आप नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद अगला ऑप्शन आएगा कि टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि अपग्रेड करना है प्रीवियस विंडो को या कस्टमाइज करके न्यू इंस्टॉल करनी है विंडो, हमने न्यू इंस्टॉल करनी है हर दफा ये। फिर उसके बाद आपकी वो हार्ड ड्राइव शो कर देगा, हार्ड ड्राइव शो करने के बाद वो आपको बताएगा कि आपकी इतनी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर आप विंडो किस ड्राइव में करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं, डी में करना चाहते हैं, ई में करना चाहते हैं, जहां पे भी आप करना चाहते हैं, आपने उस ड्राइव जिसमें करना चाहते हैं उसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। या ये देखें कि अब यहां से सारी हार्ड ड्राइव जो है वो डिलीट की गई है, डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में वो फाइलें इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जिस तरह ही फाइलें इंस्टॉल होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज अपीयर हो जाएगी और इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगी इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक सॉफ्टवेयर है सिस्टम पार्टीशन टूल 3.14, हम ये यूज नहीं करेंगे, हम विंडोज के अंदर जाकर इसको इंस्टॉल करेंगे जिस तरह ही ये प्रोसेस में आएगा। इंस्टॉल करेंगे भी सेव रहेगी, ठीक हो गया। इसके बाद थिएटर चला लूंगा मैं। रोल नंबर 11 अपना माइक ऑफ करें। बस पर्दा डाला रे। उसके बाद आगे जो है वो सारा सिस्टम है, उसके बाद वो कहता है ड्राइवर बेस की बात करता है। जब विंडोज आपकी इंस्टॉल हो जाएगी ऑलरेडी तो देन आप इसके ड्राइवर बेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमारी विंडोज तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी, मैं इसको देख लेता हूँ। विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम इसको देखते हैं
कि हमारी विंडोज में ये देखें स्टार्ट मेन्यू है, उसी तरह ये चीज सारी आ जाएगी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके चेंज डेस्कटॉप आइकॉन में जाकर हम इसके माई कंप्यूटर को यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर ले आएंगे, ताकि हमारी विंडोज जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली आ जाए। जिस पीसी है हमारी हार्ड ड्राइव 40 GB की थी, ये देखें हमारी हार्ड ड्राइव 39.6 वही 40 GB, उसी तरह ही हमारा कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर सारा कुछ है। ये डी ड्राइव जिसमें हमारी यूएसबी लगी हुई है, ये मैंने आपको यहाँ वहां बताई थी कि यूएसबी अटैच की है, जिस तरह ही हमारी यूएसबी अटैच होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले करवा रही होगी। इसको मैं इजेक्ट कर देता हूँ, इजेक्ट करने के बाद हमारी यूएसबी से सीडी रोम टाइप बन जाएगा और हमारी जो उसके अंदर विंडोज पड़ी हुई थी वो निकल जाएगी। ठीक है, ये सेम टू सेम वही पीसी है। अच्छा, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रॉपर्टीज में क्या था कि विंडोज 8 इंस्टॉल है, 2 GB की हमने रैम रखी थी, i5 जो हमारे पीसी का जो था जनरेशन थी, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, 64-bit का हमारा प्रोसेसर था, कंप्यूटर का नेम वही ट्यूटी लाइव रखा था जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पे नीचे विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड लिखा आ रहा है, ये एक्टिवेट हो जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो आप इसकी सेटिंग में जाके एक्टिवेशन की जो न्यू प्रोडक्ट की है वो आप की देंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपकी विंडोज की किसी की में को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, एक चीज है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे ड्राइवर्स की बारी। यहाँ से डिवाइस मैनेजर पर जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाकर आपने देखना है कि अनइंस्टॉल ड्राइवर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेस सिस्टम ड्राइवर जो है वो नहीं इंस्टॉल है, आपने यहाँ पे जो भी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे जाना है, सर्च ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके ड्राइवर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो वो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास मैनुअल ड्राइवर्स पड़े हैं आप मैनुअल ड्राइवर्स भी जा सकते हैं। मैनुअल ड्राइवर्स के लिए जाने के लिए ये देखिए मैं आपको यहाँ एक वेबसाइट बताता हूँ, आपने करना है, आपका लैपटॉप है i5, लैपटॉप का मॉडल है HP। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर जाकर मैं इसको गूगल लिखता हूँ, google.com। जिस तरह ही मैं गूगल ऑन करता हूँ यहाँ पर जाकर लिखेंगे HP, आपके HP के लैपटॉप जो है उसका मॉडल आपको याद होना चाहिए कि HP के लैपटॉप का मॉडल कौन सा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके लैपटॉप का मॉडल कौन सा है तो आपने माई कंप्यूटर पे चले जाना है, यहाँ पर जाकर दिस PC पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ पर देखना है कि आपका जो है वो प्रोसेसर इंटेल i5 लगा हुआ है, कौन सी जनरेशन में लगा हुआ है। अगर आपको ये भी चीज नहीं समझ आ रही है तो ये स्टार्ट मेन्यू की सर्च बार में जाएंगे, DXDIAG, DXDIAG ये डायलॉग बॉक्स है, ये आपके पीसी की ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, ये बता देगा कि आपका जो है डेस्कटॉप ये कंप्यूटर का नेम है, विंडोज आपकी कौन सी की हुई है, ठीक है, HP का लैपटॉप है, HP का सिस्टम का मॉडल है एलीट बुक फोलियो 9470M, आपने ड्राइवर ढूंढने हैं HP 9470M, इसके ड्राइवर ढूंढने हैं। जिस तरह आप क्लिक करेंगे ये सपोर्ट HP जो है ये एक वेबसाइट है, एक ये ओपन कर लें, उसके बाद ड्राइवर स्पेस ये ओपन कर लें, ड्राइवर गाइड ये ओपन कर लें। ये 3-4 वेबसाइट्स हैं जो आपके ड्राइवर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। आपने कौन सा विंडोज करनी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा, विंडोज 10 है, सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 64-bit, इसको आप सबमिट कर दें। जिस तरह ही सबमिट करेंगे वो ऑल ड्राइवर्स की आपको डिटेल दे देगा। ठीक है, वो डिटेक्ट माई ड्राइवर्स में आपके पीसी के तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो यहां से पिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस तरह ही आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहां आ जाएंगे। अब आपने जो भी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, बायोस के ड्राइवर्स हैं, ग्राफिक ड्राइवर्स हैं, वो ये 3 बता रहा है, यहां से आप इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लें या वैसे डाउनलोड कर लें। जिस तरह ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो कहता है कि ओके गेट इट, ठीक है, या नो थैंक्स आई विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैनुअली, गॉट इट करेंगे तो वो अपनी एक फाइल असिस्टेंस की दे देगा जिसके जरिए वो ड्राइवर जो है वो सॉल्यूशन पैक जो इसका है वो ये दे देगा, एक बकायदा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेगा। अगर हम इसको कहते हैं कि नहीं मैं इसको मैनुअली करूंगा, ठीक है, वो ऑटो ये फिर ये फाइल जो है वो कन्वर्ट कर ले जाएगा, यहाँ पर जाकर वो जाके आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है,
इंस्टॉल करने के बाद ये इसका साइज है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो यही चीज है कि यहाँ से आपने जिस पीसी पे जाकर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है, यहाँ पर जाकर डिवाइस मैनेजर में जाएं, डिवाइस मैनेजर से जो भी आपने ड्राइवर करना है, सपोज लाइक बायोमेट्रिक का ड्राइवर करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करें, सर्च कर दें। वो थोड़ी देर सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि द बेस्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक हो गया।